हाँ, हम हरिद्वार से हैं और मेरी मदर एडमिट थी मैक्स में, इनको न्यूरो की प्रॉब्लम थी। एक्चुअली हरिद्वार में इतना कुछ है नहीं मेडिकल का हमारे, तो वहाँ पे हमने पहले फिजिशियन को दिखाया तो उनको ज़्यादा समझ आया नहीं, लेकिन इनको मेमोरी लॉस हो रहा था, बार बार चक्कर आ रहे थे बहुत तेज और सिर में दर्द बहुत रहता था इनको ना, तो उसके लिए हम मैक्स में आए। किसी ने बताया मैक्स जाइए वहाँ अच्छा है, तो मैक्स में आए हम इमरजेंसी में। इमरजेंसी में इन्होंने एडमिट करके, डॉक्टर सौरभ गुप्ता हैं न्यूरोलॉजी, उनको अंडर में ट्रीटमेंट चला। जो पेशेंट सुषमा गुप्ता है ये हरिद्वार की रहने वाली, ये हमारे पास जब एडमिट हुई थी इमरजेंसी के थ्रू, इनको कंप्लेन थी रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया की, जिसमें इनको भूलने की दिक्कत हो रही थी, साथ में इनके बिहेवियरल इशूज थे, ये फैमिली मेम्बर्स को और रिलेटिव्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी, साथ में काफ़ी एबनॉर्मल बर्ताव कर रही थी। उसी के साथ इनको सीजर्स के एपिसोड्स भी आ रहे थे, तो ये रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया विद सीजर्स करके हमारे पास आई थी। हमने जो इनका इवेल्यूशन किया उसमें हमने MRI ब्रेन कराया, उसमें इनको MRI ब्रेन में एनकेफलाइटिस के चेंजेस हमें मिल रहे थे। एकदम से मतलब कुछ भी याद नहीं रहता, हाथ में मोबाइल है वो भी याद नहीं रहता कि हाथ में मोबाइल था या नहीं था, ऐसे करके। और बॉडी भी पूरी डिसबैलेंस रहती है कि हाथ कहीं मतलब चलते हुए आप लहर रहे हैं या गिर जाते हैं, और बातें भी मतलब बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाती हैं, कुछ बोलना है कुछ हो रहा है, निकल कुछ रहा है, इस तरह से हो रहा था। हमने इनका CSF एग्जामिनेशन किया लंबर पंक्चर के थ्रू, जिसको हमने एनकेफलाइटिस पैनल के लिए भेजा और ऑटोइम्यून एनकेफलाइटिस के लिए भेजा, और उसमें एनकेफलाइटिस पैनल में इनका जो है लिम्बिक एनकेफलाइटिस एक होती है एंटाइटी, जिसमें LGI1 पॉजिटिव आया। जो लिम्बिक एनकेफलाइटिस या LGI1 एनकेफलाइटिस होती है, ये एक तरह की ऑटोइम्यून एनकेफलाइटिस होती है जो कि बहुत रेयर देखने को मिलती है। तो लगभग हमारा यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता रहा, फर्स्ट उसमें तो डॉक्टर सौरभ जो हैं हमारे, उन्होंने बताया कि आपको IVIG की साइकिल चलेंगी, साइकिल का टाइम पीरियड होगा 6, यानी हर महीने में एक। तो अभी उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और मेमोरी भी धीरे धीरे सब वापस आ रही है, और चक्कर नहीं है, सिर में दर्द नहीं है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी टीम है। मैक्स मतलब मैं कहूँगा कि 5-star रेटिंग है हर तरह से, स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर तो मैं कहूँगा कि वर्ल्ड बेस्ट है। और आफ्टर दीज साइकिल्स पेशेंट सोच ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट, एंड करंटली पेशेंट नॉर्मल, बेसिकली पेशेंट फॉरगेटफुलनेस एंड बिहेवियर एबनॉर्मलिटी टोटली इम्प्रूव। करंटली पेशेंट डज नॉट हैव एनी सीजर एपिसोड, एंड करंटली पेशेंट इज ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी। जैसा मुझे बताते हैं बच्चे, जिनको मैंने कभी मारा नहीं, जिनको कभी मैंने कुछ कहा नहीं, उनको मैंने चप्पल जूतों तक से मारा है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा जितनी जल्दी हुआ है, और मैं काफ़ी मतलब जो है सेटिस्फाई हूँ मैक से भी, टीम से भी और डॉक्टर से भी। मुझे कुछ पता नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बस आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो मैक्स की वजह से और यहाँ के डॉक्टर की टीम की वजह से। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट हेल्थ केयर अपडेट्स।